हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग सो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है हमारा साइड फैट के लिए ठीक है जो ये चर्बी आ जाती है ना साइड में बहुत गंदी लगती है है ना आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत गंदी लगती है जब हम फिटिंग के कपड़े पहनते हैं तो यहाँ से तो बल्जेस जो निकल आते हैं ना बहुत गंदे लगते हैं तो मैं आज आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज बताऊंगी सिर्फ एक जिससे आप ये वाला जो फैट है ना इसको आप घटा सकते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है आपको अपने नीज पे खड़े होना है ठीक है घुटनों के बल आप खड़े हो गए उसके बाद जो आपका लेफ्ट लेग है पहले हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट लेग को आउट करना है ठीक है जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको आप ऐसे वेस्ट पे रखोगे ठीक है राइट आर्म अप राइट आर्म अप एंड देन बेंड टू द लेफ्ट साइड लेफ्ट की तरफ पूरा बेंड होना है ठीक है और ये वाली जो चीज है ये पूरी स्ट्रेच होनी चाहिए जितना कर सकते हो उतना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन पूरा यहाँ पे खिंचाव पड़ना चाहिए ठीक है हल्का हल्का नहीं करना है प्रॉपर स्पीड से करना है ठीक है तभी यहाँ पे खिंचाव पड़ेगा और ये जो फैट है ना ये कम होगा गॉट इट तो अब हम करेंगे दूसरी साइड राइट लेग आउट ठीक है राइट आर्म वेस्ट पे लेफ्ट आर्म अप एंड देन बेंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन गाइस पूरा यहां पे खिंचाव पड़ रहा है ठीक है खिंचाव पड़ना चाहिए तभी आप लोगों का यहां से जो फैट है वो लूज होगा ठीक है तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आपको कम से कम थर्टी टाइम्स थर्टी टाइम्स इधर से थर्टी टाइम्स इधर से करनी ही करनी है और जो रिजल्ट है वो आप दस दिन के अंदर देख लोगे ये मैंने अपने ऊपर भी ट्राई किया है इसको मैंने खुद भी आजमाया है और ये मैं खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके आप लोगों को बता रही हूं कि ये वाला जो वर्कआउट है ये आप करो और ये बहुत इजी वर्कआउट है इसमें कुछ नहीं चाहिए बस थोड़ी सी जगह चाहिए मैट बिछाओ और अपना शुरू हो जाओ स्टार्टिंग में आप लोग थर्टी कर सकते हो ठीक है अगर आपसे थर्टी भी ना हो तो आप फिफ्टीन फिफ्टीन कर सकते हो फिफ्टीन इस साइड एंड फिफ्टीन इस साइड ठीक है फिफ्टीन से फिर आप ट्वेंटी करो ट्वेंटी कर ट्वेंटी फिर आप थर्टी पे आओ पर इसको जरूर करना ये जो आपका साइड फैट है ना इसमें आपको बहुत हेल्प होगी ठीक है तो अगर आपको मतलब और भी चीजें जैसे आपको बेली फैट कम करना है थाई फैट आर्म फैट और आप किस चीज चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो प्लीज नीचे कमेंट्स में आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगी ठीक है सो आई होप कि आपको ये वाला वर्कआउट अच्छा लगे इसके लिए सिर्फ आपको फाइव मिनट चाहिए अपने पूरे डेली रूटीन में से पांच मिनट निकाल के ये वाला वर्कआउट कर दो ठीक है एंड दिस विल रियली हेल्प यू थैंक यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग